पुलिस द्वारा हबीबगंज थाना E4 अरेरा कॉलोनी में लूट करने वाले शातिर लुटेरों को त्वरित कार्यवाही कर किया गिरफ्तार। आरोपी द्वारा घटना में उपयोग किया गया मोबाइल फोन, फरियादिया के मकान से लूटी गई राशि ₹33,60,000, सोने के सिक्के, मोबाइल फोन कुल कीमती लगभग ₹35,00,000 व घटना में प्रयुक्त चाकू व मोटरसाइकिल को किया बरामद। दिनांक 3/1/2024 को शाम 7:30 बजे फरियादिया कीर्ति धनवानी पति सुशील धनवानी निवासी E4/237 अरेरा कॉलोनी भोपाल के मकान में अज्ञात 3 व्यक्तियों द्वारा घुसकर फरियादिया को चाकू अड़ाकर नगदी, सोने के जेवरात व मोबाइल फोन लूट ले जाने की घटना कारित की गई। घटना के दौरान फरियादिया द्वारा चिल्लाने से फरियादिया के घर के सामने वाले मकान के सुरक्षा गार्ड द्वारा एक संदेही देवानंद को पकड़ लिया गया व शेष 2 आरोपी मौके से भाग गए। घटना की रिपोर्ट पर संदेही देवानंद व 2 अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 04/2024 धारा 394 भादवी पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त हरिनारायण चौरी मिश्र, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अवधेश गोस्वामी, पुलिस उपायुक्त जोन 1 रामजी श्रीवास्तव द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन श्री शशांक के नेतृत्व में सहायक पुलिस आयुक्त हबीबगंज वीरेंद्र मिश्रा के अधीन थाना प्रभारी हबीबगंज, थाना प्रभारी शाहपुरा, थाना प्रभारी रातीबड़, थाना प्रभारी अशोक गार्डन एवं अन्य थानों की अलग अलग पुलिस टीम का गठन कर पकड़े गए संदेही से पूछताछ करने व फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटा गया मशरूका बरामद करने हेतु निर्देशित किया गया। इसमें अधिकांश जो रकम थी वो एक जो मास्टरमाइंड था उसमें जो पकड़ा गया है, जो देवानंद बताया आपने, 2 आरोपी और हैं इसमें, इन तीनों के पास पकड़ी गई रकम। और रकम के साथ साथ इन लोगों ने रकम तत्काल में वहां से छुपा भी दिया था, कहीं जहां गया है वहां पर रेड हुई। लगातार सख्ती से पूरी टीम लगातार पूछताछ करती रही और अंतर लगातार प्रयास के बाद, तत्परता के बाद, सतर्कता के कारण कोशिश करने के बाद पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली। निश्चित तौर पर फरियादी कहना सही है और उसमें जो आरोपी है, जो प्रथम आरोपी है, जो मुख्य मास्टरमाइंड है, जिसका नाम आपने भी जिक्र किया, उस आरोपी ने लंबे समय से नजर बनाते हुए छोटी छोटी जानकारियां जुटानी शुरू की। खास तौर पर उन लोगों से संपर्क उसने बढ़ाना शुरू किया जो लोग आरोपी की तरफ से फरियादी के घर में जिनका आना जाना था, जैसे घर में पुलिस को जिन किसी लोगों पर शक है, उसमें घर में काम करने वाले, घर में कुछ मजदूरों का आना जाना था, वैसे लोग, दुकान में कुछ काम करने वाले लोग, ऐसे कुछ लोगों को पुलिस ने चिन्हित किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और इसमें उम्मीद है कि उनसे इतनी सटीक जानकारी मिली होगी कि कोई व्यक्ति पैसा लेकर आ और कुछ ही देर के बाद अचानक लोग आ जाए और उसी कमरे में पहुंच जाए जहां में पैसा रखा है, तो यह अनायास नहीं हो सकता। इसके पीछे सटीक जानकारी का होना होता है और पुलिस उस बिंदु पर भी जांच कर रही है। बहरहाल एक पुलिस की एक बड़ी सफलता है कि कुछ ही घंटों के अंदर न सिर्फ लूट की गई ₹33,00,000 की पूरी रकम बरामद कर ली गई, बल्कि तीनों आरोपी पकड़ लिए गए हैं और आगे की उनकी पूछताछ की जा रही है।